जय हिंद किसान दोस्तों, किसान वीरों, मेरे प्यारे भाइयों, स्वागत एक बार करते हैं एक बार फिर से आप ही के अपने ऑफिशियल चैनल पे, जहां पे आपको आलू मंडी ताज़ा भाव और देश की बड़ी मंडियों के सभी अनाज मंडियों के ताज़ा भाव आपको सबसे पहले प्राप्त होते हैं। किसान दोस्तों, किसान वीरों, अगर आप चैनल पे पहली बार पधार रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको आलू मंडी ताज़ा भाव से संबंधित, आलू का भविष्य से संबंधित, आलू की हर लेटेस्ट अपडेट आपके लिए सबसे पहले हम लेकर के हाजिर होते रहते हैं। तो किसान दोस्तों, आप कहाँ के रहने वाले हो, आपके पास में कितना आलू रखा हुआ है, अगर आलू किसान अगर आप हो, अगर आप खरीदना भी चाहते हो आलू, तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको हर लेटेस्ट अपडेट, हर टाइप के हमारे किसान भाई भी हैं जो बेचना चाहते हैं, उनसे भी आप बात करके आलू खरीद भी सकते हो, आलू बेच भी सकते हो। तो किसान भाई, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट जरूर कीजिएगा, आप किसी बड़ी मंडी का भाव जानना चाहते हो कमेंट बॉक्स में वो भी बता दीजिएगा। तो किसान दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी मंडियों के ताज़ा भाव बात करते हैं। तो अजमेरा में आपका 1480 रुपये, आगरा में 1550 रुपये, इलाहाबाद में 1600 रुपये, अमरोहा में आपका 1340 रुपये, अनवाला के अंदर 1800 रुपये, अतरा में आपका 1310 रुपये, अतरौली में 1200 रुपये, बांदा के अंदर 1350 रुपये, बरेली में आपका 1325 रुपये, और बरथाना के अंदर आपका 1410 रुपये, और बीहीजो के अंदर 720 रुपये, चंदपुर के अंदर आपका है 1100 रुपये, चंदूसाई के अंदर 1270 रुपये, चिरगांव के अंदर आपका 1200 रुपये, दूधी के अंदर आपका 1500 रुपये, ईटा के अंदर आपका है 1280 रुपये, इटावा के अंदर 1380 रुपये, फैजाबाद में 1600 रुपये, फतेहपुर सीकर में 1550 रुपये, गंगोहा के अंदर आपका भाव देखा जाए तो 1500 रुपये, गाजियाबाद में 1950 रुपये, गोंडा के अंदर आपका 1260 रुपये, और आपका हाथरस में 1430 रुपये, वही जाफरागंज में आपका 2100 रुपये प्रति क्विंटल, झांसी के अंदर आपका 1245 रुपये प्रति क्विंटल, कमालगंज में 1050 रुपये प्रति क्विंटल, कासगंज में 1250 रुपये प्रति क्विंटल भाव देखने को मिला है। वहीं आपका भाव देखा जाए मुरादाबाद के अंदर तो 1290 रुपये प्रति क्विंटल भाव देखने को मिल रहा है। वहीं संभल के अंदर आपका भाव है वो है 1050 रुपये प्रति क्विंटल भाव देखने को मिल रहा है। वहीं शामली के अंदर 1950 रुपये, सिरसागंज के अंदर आपका है 1320 रुपये, सैना के अंदर 1500 रुपये, और विशलपुर के अंदर आपका 1300 रुपये प्रति क्विंटल भाव देखने को मिल रहा है। अब जान लेते हैं बंगाल की बड़ी मंडियों के ताज़ा भाव। बंगाल की बड़ी मंडियों की बात देखें तो बंकुरा सदर के अंदर 1220 रुपये, बरसत में आपका 1380 रुपये, बलीछोवा के अंदर आपका भाव है 1500 रुपये प्रति क्विंटल, विष्णुपुर के अंदर आपका भाव देखा जाए तो 1200 रुपये प्रति क्विंटल भाव देखने को मिल रहा है। वही धूपगिरी में आपका भाव देखा जाए तो 1500 रुपये प्रति क्विंटल भाव देखने को मिला, डायमंड हार्बर के अंदर आपका 1700 रुपये, इंग्लिश बाजार में 1550 रुपये, गरबेटा में 1250 रुपये, गुस्कर में 1360 रुपये, हावड़ा के अंदर आपका 1340 रुपये, इंडस के अंदर आपका 1230 रुपये, और जलपाईगुड़ी सदर के अंदर 1500 रुपये प्रति क्विंटल, कालीपुर के अंदर 1260 रुपये, काटवा के अंदर आपका 1440 रुपये प्रति क्विंटल, वही मोयाना गुरी के अंदर आपका 1500 रुपये प्रति क्विंटल भाव देखने को मिल रहा है, फंडुआ के अंदर आपका 1260 रुपये प्रति क्विंटल, फोरोलिया में 1300 रुपये प्रति क्विंटल, रामाकृष्णपुर के अंदर 1400 रुपये प्रति क्विंटल भाव देखने को मिल रहा है। आप देख ले रहे मध्य प्रदेश की बड़ी मंडियों के ताज़ा भाव। मध्य प्रदेश की देवरी मंडी के अंदर 1800 रुपये प्रति क्विंटल, इंदौर में आपका 1500 रुपये, इटार से 1900 रुपये, कोकसी में 1500 रुपये, और छिंदवाड़ा के अंदर आपका है 1500 रुपये, शिवपुरी के अंदर आपका भाव है 1100 रुपये, श्योपो कलान के अंदर आपका 2500 रुपये प्रति क्विंटल भाव देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र की बड़ी मंडियों के हम चलते हैं तो महाराष्ट्र की बड़ी मंडियों की बात कर लेते हैं। अकलूज में आपका 2200 रुपये, औरंगाबाद में आपका 1900 रुपये, जलगांव के अंदर 1600 रुपये, कामथी के अंदर आपका 3000 रुपये प्रति क्विंटल, खेड़ के अंदर 2000 रुपये प्रति क्विंटल, नागपुर में 1800 रुपये, पुणे के अंदर आपका 2200 रुपये, सांगली पहली के अंदर आपका 2200 रुपये, सतारा के अंदर आपका 2000 रुपये, श्री रामपुर की बात की जाए तो आपका 1600 रुपये प्रति क्विंटल, सोलापुर में आपका 2400 रुपये प्रति क्विंटल, वासी न्यू मुंबई के अंदर आपका 2400 रुपये प्रति क्विंटल भाव देखने को मिल रहा है। तो किसान दोस्तों, ये था देश की बड़ी मंडियों के ताज़ा भाव आपके लिए लेकर के आए। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे साथ में जुड़ने के लिए आप बने रहिएगा। अगर कोई भाव छोड़ जाता है डिस्क्रिप्शन साइट के लिंक पर विजिट भी आप कर सकते हो, वहाँ भी आप भाव चेक कर सकते हो। तो ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट, बाकी जय हिंद जय भारत।